चीज चार हो, लेने वाले आठ हो, तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना, तो बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आ गए हैं, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। तो अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। देहली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में, चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। राजस्थान में तो हेडक्वार्टर ही है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत है ना, ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो जो ये समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं, फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना और नवीनता के भी तो नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। कुमारियों से बातचीत की बाबा ने, से बात की। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है, तो ऐसे श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो? सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो, विश्व सेवाधारी बनेंगी। वह हद की गुजरात की सेवा करनी है, या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां जो चाहे वह कर सकती हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती है, तो ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है, तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ, बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपके जीवन से पाठ पढ़े। बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपके जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े यह है विशेषता।
आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते ही नहीं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसीलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना है। अपने चाल चलन पर विशेष अटेंशन। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज़ है, टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे? अधिकतर टीवी। सुनने से देखना अधिक पसंद करते हैं, तो आपके जीवन में भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो, समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है, उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ, सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है, ये क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? भाई नौकरी भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, क्या टोकरी उठाएंगी? अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सब खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो। मालिकपन का और साथ में बालक हैं विश्व सेवाधारी, ये नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ओम शांति।